अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सद्दाम हुसैन और आज हम पढ़ेंगे पार्थिनोजेनेसिस के बारे में। पार्थिनोजेनेसिस ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है और इसके अंदर इसकी मेन डेफिनेशन ये समझ लें कि इट इज अ बाउंड्री बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्यों इसे कहते हैं? देखिए ये क्या करते हैं कि ये जो है एक प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये इसलिए कहते हैं कि ये भाई ये सेक्सुअल है, इसलिए ये बात हो गई इनके अंदर सेक्सुअल वाली। मगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। क्यों फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होती? तो स्पर्म इसके अंदर नहीं प्रोड्यूस होते, एक ही फीमेल होती है जो कि एक प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है वो जानदार है जिनके पास सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों किस्म का मैकेनिज्म मौजूद है। तो ये इसकी बाउंड्री है बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब होता ये है कि कुछ हनीबी के अंदर ये प्रोसेस होता है कि वो क्या करती हैं कि उनके अंदर जो सेल होते हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है एक सेल के अंदर हाफ होता है तो किसी के अंदर डबल होता है, मगर मिलने के बाद। अब देखिए कि जो इनके अंदर क्या होता है कि जो मेल होता है उसका अगर एक से कोई मेल बनना हो तो क्या होगा कि कोई भी एक जो इसका गैमेट है वो किसी एंड रीजन पे आ जाएगा इसी ओवरी के अंदर, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मेल के अंदर। अगर दोनों गैमेट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं एनएन के, तो फिर उसे क्या हो जाएगा, फीमेल बन जाएगी। तो हनीबी के अंदर इस तरह से रिप्रोडक्शन होती है। बस उसकी ओवरी के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, ठीक है, दो तरह के एग हैं। एक अगर एग मिलता है तो फिर क्या होता है कि उससे जो है वो बन जाता है उसका मेल। अगर एक एग जो है वो किसी एंड एरिया पे जाता है ओवरी के, तो वो कन्वर्ट हो जाता है मेल ड्रोन के अंदर, और जो फीमेल होती है तो दो उसके सेल जो है, दो एग जो है एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो फीमेल बन जाती है। तो इस तरह का जो है प्रोसेस जो है वो होता है पार्थिनोजेनेसिस एनिमल्स के अंदर, और इसको हम कहते हैं प्लॉयड एंड डिप्लॉयड सिस्टम। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस था जो हनी बी के अंदर होता है।